इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनमें हमारे पास इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान एक रिलेशन जो था वो यूज हो रहा था। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमें रूट्स दिए गए होंगे और उनसे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ द रूट्स ऑफ पीएक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन प्रूव दैट अल्फा और बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है जिसके हमें उसने रूट्स बता दिए हैं कि अल्फा और बीटा हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो हमारे पास होता है माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू ओवर पी। देन हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू ओवर पी। अब हमने प्रूफ ये करना है अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट। अब इसमें हम इसको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आते हैं। इन दोनों को अगर हम सम करें तो इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0। सो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स को फाइंड किया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड किया और लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। इस अल्फा ओवर बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट को आपस में सम किया ताकि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ सके। उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास कंडीशन आ गई। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन
whose roots are? पार्ट वन में दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर सेवन ये है कि एक इक्वेशन उसने हमें दे दी है और उसके रूट्स बता दिए हैं कि अल्फा और बीटा हैं। अब हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। इस तरीके के हमारे पास आठ पार्ट्स हैं और सबको सॉल्व करने का एक ही मेथड है। सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन दी गई है और उसके जो रूट्स दिए गए हैं उसमें से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। देन दूसरा स्टेप ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो हमारे पास हो जाएगा सी ओवर ए। उसके बाद ये जो हमारे पास नए रूट्स दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसका हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू इस अल्फा प्लस बीटा से फाइंड करेंगे। इस अल्फा प्लस बीटा को हम किसी ऐसी फॉर्म में लेके जाएंगे कि वो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लें और उसमें से माइनस कर दें टू अल्फा बीटा, तो वो हमें वैल्यू देता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, क्योंकि इसको जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे टू अल्फा बीटा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम